खूबसूरती एक शक्तिशाली चीज होती है, भूल कर भी इससे पंगा मत लेना। सुबह के समय मैं ये सोचती हूँ कि क्या कभी कोई सुबह उठते ही खूबसूरत दिख सकता है। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी होता है। जरा मेरी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स तो देखो, मैं इन्हें कैसे खत्म करूं? अरे केला, बिल्कुल सही समय पर मिला। इस ब्यूटी हैक के लिए एक केला और एक ताजा खीरा ले। खीरे को घिसें, केले का गुदा मिलाएं, फोक से इन्हें दबाएं और अच्छी तरह हिलाएं। इस मिश्रण को बर्फ के सांचे में डालें, इन्हें जमाएं, जमी हुई पीसेस को निकालें। नहीं, इन्हें खाओ मत। तुम्हें इन बर्फ के पीसेस को अपनी आंखों के नीचे मलना है। कितना अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें ताजगी महसूस हो रही है? ये तो जादू की तरह है। सूजी हुई आंखों को अलविदा कहो, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं। ये दोस्त शीशे के लिए झगड़ रही है। जो पहले आया है उसे ही मिलेगा। मुझे पहले जाना है। पीछे खड़े रहो, मुझे अपनी आईब्रोज बनाने दो। पर मैं इसे जल्दी और अच्छे से कैसे करूं? कैसा रहेगा अगर मैं इन पर टेप लगा दूं? आईब्रोज के ऊपर और नीचे टेप की कुछ स्ट्रिप्स लगाएं, थोड़ी सी जगह छोड़ें और फिर उन पर आई शेडो लगाएं। ठीक है, यह अच्छा आइडिया था, पर कुछ गलत हो गया। ओह वाह, तुम्हारी ब्रोज काफी डरावनी है। पर मेरे पास एक और आइडिया है, इसलिए कुर्सी को खाली करो दोस्त। एक टूथ पिक ले और इस पर ब्रो पेंसिल से रंग दे। टूथ पिक को अपनी आईब्रो पर लगाएं, जैसे शेप चाहिए वैसे बना ले। ये आसान, जल्दी और खूबसूरती से हो गया। आपको क्या लगता है? तुम्हारा मेकअप पूरा नहीं होगा जब तक तुम्हारी आई लाशें सुंदर ना दिखे। मेरा फेवरेट मस्कारा किधर है? ओ नहीं, फिर से नहीं, ये खत्म हो गया। सिर्फ तुम हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मेरा मस्कारा खत्म हो गया, मैं क्या करूं? इसमें परेशानी क्या है? ये लो मेरे आई ड्रॉप्स, ये मदद करेंगे। सच में? चलो ट्राई करती हूँ। ट्यूब में कुछ बूंद आई ड्रॉप्स डालें, इन्हें सूखे मस्कारे में ब्रश की मदद से मिलाएं और अपनी आई लैशेस पर लगा लें। ये तो चमत्कार हो गया, मस्कारा तो बिल्कुल नई जैसा हो गया। तुम तो कमाल हो, शुक्रिया। ये मेकअप स्पॉन्ज, ये तो काफी खराब हो गया। ये कितना गंदा दिख रहा है। काश मैं इसे दोबारा से ठीक कर पाऊँ। मेरे इंस्टाग्राम फीड को इसके बारे में क्या कहना है? अच्छा, मुझे इसे पानी में धोना होगा, मलना होगा और निचोड़ना होगा और फिर ये नए जैसा बढ़िया हो जाएगा। मुझे नहीं पता, चलो ट्राई करते हैं। हमें चाहिए थोड़ा पानी और साफ कटोरा। पानी को स्पॉन्ज के ऊपर डालें और इसे साफ करना शुरू करें। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, चलो एक और तरीका ट्राई करें। और स्पॉन्ज को पुरानी तरीके से धोते हैं। स्पॉन्ज पर साबुन लगाएं और इसे खुले पानी में धो दें। अच्छे नतीजे के लिए एंटी बैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल करें, ये तरीका बेहतर है। इस साफ पानी को अपनी त्वचा के लिए ही रहने देते हैं। गंदे स्पॉन्ज को साबुन पसंद है, हमने ये साबित कर दिया। आप एक सीरियस मीटिंग के लिए जा रहे हो तो आपको सीरियस मेकअप करना चाहिए, पर तुम अपने मेकअप स्पॉन्ज के बिना कैसे कर सकते हो? तुम्हें करना होगा एक जादू। वाह, तुम कहाँ से आ गई? ये खीरा किस लिए? और तुम कौन सी वीडियो देख रहे हो? क्या तुम कहना चाहते हो कि खीरे को हम स्पॉन्ज की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? एक किनारे पर फाउंडेशन की कुछ बूंदे डालें और अपनी त्वचा पर लगाएं। खीरे से अपने चेहरे पर इसे लगाएं, पर शायद ये नहीं कर सकता है। फाउंडेशन एक समान नहीं फैला और बुरा दिख रहा है। ये मेकअप नहीं, ये तो मास्क जैसा लग रहा है। मैं कितनी बनावटी सी लग रही हूँ। कभी कभार प्रयोग नाकाम हो जाती है। एक मोटी नाक भी अच्छी दिख सकती है। हे, मदद करो, क्या तुम्हें कोई तरीका मालूम है जिससे जल्दी से नाक पतली दिखे? क्या तुम मेरी जैसी नाक चाहती हो? बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ। एक चपटा ब्रश ली और एक गाढ़े आई शेडो से नई नाक के लिए निशान बनाएं। आईब्रो से लेकर नाक की चोंच तक लाइन बनाएं।
एक लाइन नाक के ऊपर रिबर भी लगाएं, इन्हें अच्छी तरह मिलाएं, हल्के रंग का फाउंडेशन बीच वाली लाइन पर लगाएं और इसे अपनी नाक पर अच्छे से फैलाएं। नाक के ऊपरी हिस्से और चोंच पर थोड़ी अलग से लगाएं। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें पता है अब क्या करना है? तुम तो कमाल की हो। क्या मैं इस कलाकार के साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ खुशी से? अब दुनिया को अपनी नई नाक दिखाओ। क्या मैं साल भर अपना चेहरा फ्रेकल्स वाला नहीं रख सकती? ये कितने क्यूट लगते हैं। किसने मना किया? अगर तुम्हारे पास बन डोनट है तो सब कुछ मुमकिन है। ये रही ट्यूटोरियल। बन डोनट पर भूरे रंग की आई शेडो लगाएं। ये थोड़ा खुरदुरा है इसलिए परत ज्यादा गाढ़ी नहीं बनेगी। डोनट को अपने चेहरे पर घुमाएं, अपने गालों और नाक पर इसके निशान लगाएं। हो गया। अच्छा होगा अगर आप इन्हें नजदीक से ना देखें। मेरे दोस्त को ये मेरा फ्रिकल लाइफ हैक पसंद नहीं आया, पर मैंने अपनी तरफ से अच्छा ही किया है। देखो मुझे क्या मिला, एक लिप हैक। मेरा मतलब लिप्स के लिए लाइफ हैक। वैसे तुम समझ गई ना मेरा क्या मतलब है। ओ ये क्या कर रही है? ये तो लंबी सी कहानी है। चलो सीधा लाइफ हैक पर चलते हैं। आपको चाहिए एक मेडिकल ग्लू। क्या तुम अपनी त्वचा पर ग्लू लगाने के लिए तैयार हो? टूथपिक से ग्लू निकालें और अपने लिप्स के ऊपर वाली त्वचा पर लगाएं। थोड़ी देर रुकने के बाद ऊपर वाले होंठ पर भी ग्लू लगाएं। इसे पकड़े रखें जब तक ग्लू सूख ना जाए। और मेरी दोस्त अपना नीचे वाला होंठ बड़े करने की कोशिश कर रही है। एक दो तीन, चलो देखें। तो क्या मैंने ठीक किया? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी किसी डेंटिस्ट के क्लिनिक से निकली हूँ। ओ यार मैं कभी दोबारा नहीं करूँगी। क्या ख्याल है? प्यारे से रंगों वाले लिप्स के लिए मैंने अभी इंस्टाग्राम पर एक मजेदार सा आइडिया देखा है। दो लिपस्टिक लें, एक गाढ़ी और दूसरी हल्के रंग की। गाढ़े रंग वाली से आउटलाइन करें। अपने होठों के ऊपर गाढ़ी शेड को लगाएं, क्यूपिड बो को छोड़ते हुए बीच में हल्की लिपस्टिक लगाएं। ब्रश से इन शेड्स को मिलाएं। ये कमाल का हो गया, तुम्हारे लिप्स अब बड़े दिख रहे हैं। ये रहा एक और तरीका अपने होठों को जल्दी और सफाई से शेड करने का। ये वीडियो में कितना आसान दिख रहा है। लिक्विड लिपस्टिक से होठों की आउटलाइन पर डॉट्स डालें। इन्हें धीरे धीरे आपस में जोड़ें। फिर होठों के बीच में शेड करें और इसे उतार दे क्योंकि ये बेकार दिख रही है। हम दूसरे तरीके से बहिष्कार करते हैं, पर हम आपको सलाह डबल शेड से लिपस्टिक लगाने की देते हैं। बाहर जाने का समय हो गया पर मेरे बाल अभी भी गीले हैं। देखो मैंने क्या ढूंढा, एक झटपट तरीका बालों को सुखाने का। क्या हम इसे ट्राई करें? हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक हेयर ड्रायर और बस यही। अपने बालों को टॉवल से थोड़ा पोंछ ले। अपने बालों को कुछ भागों में बांटें, इस तरह से इन्हें घुमाएं और फिर इस पर हेयर ड्रायर चलाएं। बालों को कम फ्लफी बनाने के लिए हवा का फ्लो ऊपर से डालें। बालों को सीधा करें। आपको मिल गया सैलून जैसा ब्लू आउट, फ्लफी और साफ। और ये कितनी जल्दी से हो गया। मैं पार्टी के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें मेरे कपड़े पसंद आए? ड्रेस तो बहुत अच्छी है, पर तुम्हारी कोनियों को क्या हुआ है? क्या तुमने अभी इन्हें ड्रेस के साथ मैच किया है? तुम्हें इसके लिए कुछ करना होगा। तुम इंस्टाग्राम पर कोई आइडिया ढूंढ सकती हो। अपनी कोनी पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाएं, इसे त्वचा पर ब्रश से फैलाएं, इस पर थोड़ा बेकिंग सोडा छिड़के, कुछ देर के लिए इसे रगड़ें और फिर साफ कर लें। बहुत ही बढ़िया, मेरी कोनियां इससे अच्छी पहले कभी ना दिखी। आइडिया के लिए शुक्रिया, पार्टी के लिए गुड लक। बस ध्यान रखना तुम्हारी चमकती कोनियों से दूसरों की आंखें खराब ना हो जाए। हम एक मजेदार शाम का आनंद लेने वाले हैं। शैंपेन, कैंडल्स और वो, और मेरी टांगों की चर्बी मेरी स्कर्ट से दिख रही है। काश वो इस पर ध्यान ना दे। मुझे तो बिल्कुल घबराहट सी हो रही है। वैसे मुझे ये वैक्यूम क्लीनर दो। लेगिंग पहन ले।
और वैक्यूम ट्यूब को चर्बी वाली जगह पर चलाएं। ये बहुत बढ़िया काम किया। हे स्वीटहार्ट, जल्दी आओ। क्या आपको हमारे ब्यूटी लाइफ हैक्स पसंद आए? कौन सी वाली आइडिया ने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया, हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे पास और मजेदार वीडियोस जल्द ही आ रही है, ये मिस न हो जाए। इसके लिए रूम रूम चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल पर क्लिक करें।